सफल सपना सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया। नमस्कार साथियों, आपको पता होगा कि आज का दिन वैश्विक परिवेश के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन एक ऐसे संकल्प की याद दिलाता है जो हमारे भविष्य की सुरक्षा का भी प्रतीक है। तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी विश्व की एक बड़ी आबादी इस संकल्प को मात्र समाचारों का विषय ही समझती है। न ही वो हकीकत को जानना चाहते हैं और न ही दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, आज का दिन यानी 22 मार्च पानी को बचाने के संकल्प का दिन है। 22 मार्च जल के महत्व को जानने का दिन है। 22 मार्च जल संरक्षण के मामले में सचेत रहने का दिन है। इसीलिए कुल मिलाकर आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल ये दिवस वाटर एंड एनर्जी यानी जल और ऊर्जा की थीम पर मनाया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक विश्व की 1.5 अरब आबादी को पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं है। जल के विषय में एक नहीं बल्कि कई चौंका देने वाले तथ्य समय समय पर सामने आते रहते हैं। ये तथ्य पानी से पैदा होने वाले भावी खतरों को जानने व समझने के लिए पर्याप्त हैं। अब बात अगर अपने देश के परिवेश में ही करें तो सिर्फ मुंबई में ही हर रोज वाहनों को धोने में 50 लाख लीटर पानी खर्च किया जाता है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में पाइपलाइनों के वाल्व की खराबी से प्रतिदिन 17-44% पानी बेकार बह जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो इजराइल देश औसतन मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा से इतना अनाज पैदा कर लेता है वो उसे निर्यात यानी एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जबकि भारत में 50 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा के बावजूद अनाज की कमी बनी रहती है। तो अब आप ही बताइए कि हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं या उसे सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। दोनों सूरतों में नुकसान तो हमें ही झेलना होगा। पिछले 50 सालों में कम से कम 37 बार हत्याकांडों की वजह पानी रहा है, जबकि पेयजल के गंदे होने की वजह से हर साल करीब 22 लाख लोगों की मौत हो जाती है। कहीं लोग घंटों नहाने के दौरान लगातार नल को खुला रखकर पानी को बर्बाद करते हैं तो कहीं घर की साफ सफाई में बेखौफ होकर पानी बहाया जाता है। पर पानी की बेइंतहा बर्बादी करने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि आज भी राजस्थान जैसे बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां रोजमर्रा के पानी के लिए मीलों पैदल चलकर जाना पड़ता है। वैसे ये बात तो हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि धरती के 70% से भी अधिक यानी करीब 2/3 भाग में जल मौजूद है, पर इसका मात्र 2.7% हिस्सा ही पीने योग्य जल का है, जबकि 97.3% समुद्रों के रूप में मौजूद खारा पानी है। इसके अलावा 2.7% साफ पानी से भी 75.2% भाग ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे ग्लेशियर आदि के रूप में है, तो शेष 22.6% भूमि जल यानी नदी, झील व भूजल के रूप में मौजूद है, जिसका एक बड़ा हिस्सा हमारी खेती व औद्योगिक गतिविधियों के दौरान जरूरतों को पूरा करने में लग जाता है और बाकी का पानी हम पीने व दूसरे घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दुनिया में उपस्थित मीठे जल की 1% मात्रा ही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। विश्व भर में साफ जल की कमी होने के कारण यहाँ तक कहा जाने लगा है कि अगला यानी तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर ही होने वाला है। इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के हर नागरिक को विश्व जल दिवस के जरिए पानी की भूमिका और इसके महत्व से अवगत कराने की कोशिश करना शुरू किया है। 2.5 billion people don't have access to basic sanitation services and hygiene.
And water alone will not reduce the burden of disease. It's having access to sanitary, basic sanitary facilities, being able to practice good hygiene that will obviously reduce not only diarrheal diseases, but other water-related diseases, such as helminth infections, worms, which affect hundreds of millions of children throughout the world. Water is central to the well-being of people and the planet. We need it for health, food security, and economic progress. Water holds the key to sustainable development. We must work together to protect and carefully manage this fragile, finite resource. Each year brings new pressures on water: growing populations, climate change. 1/3 of the world's people already live in countries with moderate to high water stress. Competition is growing between farmers and herders, industry and agriculture, town and country. Upstream and downstream and across borders, we need to cooperate for the benefit of all, now and in the future. दोस्तों, विश्व जल दिवस को मनाने की पहल संयुक्त राष्ट्र ने 1992 के अधिवेशन में 22 मार्च को की थी, और फिर सबसे पहले 1993 में पहली बार 22 मार्च को पूरे विश्व में जल दिवस के मौके पर पानी के रखरखाव पर जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया गया। आज विश्व जल दिवस के तमाम प्रयासों के बावजूद करीब 10 में से 2 व्यक्तियों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। नदियाँ, जो पानी का सबसे बड़ा स्रोत हैं, आज औद्योगिकरण व शहरीकरण की भेंट चढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इस दिशा में जल संरक्षण संबंधी कानूनों का सख्त होना बहुत जरूरी है। प्रयास को छोटे से छोटे स्तर पर तेज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जल संरक्षण के प्रयास किए नहीं जा रहे हैं, बस सरकार के इन प्रयासों को जन भागीदारी की जरूरत है। जिस दिन से लोगों का सहयोग इस मुहिम के साथ जुड़ेगा, वो दिन दूर नहीं होगा कि हम पानी के संरक्षण में सबसे अव्वल हो जाएंगे। इसीलिए साथियों, आज से ही जल का संरक्षण करें और अपने रोजमर्रा के कामों में जरूरत तक ही पानी का इस्तेमाल करें, ताकि ये जल जो हमारा कल है, वो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी सदियों तक सुरक्षित रहे। जल दिवस मनाने का असली मकसद बूंद बूंद जल का संरक्षण है, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं। दोस्तों, जब कभी भी बात होती है सिनेमा जगत की, तो इसमें सबसे बड़ी क्रांति माना जाता है मूविंग पिक्चर को, यानी पर्दे पर गतिमान तस्वीरों को, जिसे हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं। वैसे कितनी अजीब बात है कि किसी वक्त में लोगों ने स्टिल फोटोग्राफी की कल्पना करने के बारे में भी नहीं सोचा था, और आज तकनीकी विकास की मदद से ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए जा सकते हैं जिसमें पर्दे पर दिखता कोई और है, जबकि असल में होता कोई और है। मोशन पिक्चर्स ने हमारे सिनेमाई पर्दे को न सिर्फ बुनियाद प्रदान की है, बल्कि यही आज के सिनेमा की शुरुआत भी यहीं से हुई है। मोशन पिक्चर का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन आज ही के दिन 1895 में पेरिस में किया गया था। इस दौरान नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री के सदस्यों ने एक जगह एकत्र होकर लूमियर ब्रदर्स की इस पहल को अपनी आंखों से देखा था। ये कारनामा 31 वर्ष के लुइस लूमियर व 33 वर्ष के ऑगुस्ते लूमियर द्वारा सिनेमेटोग्राफ की मदद से किया गया था। 1895, in a small Paris cafe, in the basement, Louis and Auguste Lumière hosted an evening of motion pictures. They sold tickets, they attracted a crowd, but most importantly, they projected the motion pictures on a screen. इसी तकनीक को आधार बनाकर लूमियर ब्रदर्स ने 16 फ्रेम प्रति सेकंड की मैकेनिज्म के साथ एक नई डिवाइस यानी सिनेमेटोग्राफ तैयार किया। यही वो तकनीक भी थी साथियों, जो कई दशकों तक फिल्म निर्माण का स्टैंडर्ड बनी रहे। इसी तकनीक की मदद से लूमियर ब्रदर्स ने पहली बार आज ही के दिन पेरिस में मोशन पिक्चर्स का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था, और फिर अगले साल 20 अप्रैल 1896 में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क शहर में पहले मोशन पिक्चर का प्रदर्शन किया। पर पेरिस और यहाँ के प्रदर्शन में अंतर ये था कि यूएस में लूमियर ब्रदर्स ने नीटोस्कोप की जगह पर एडिसन द्वारा तैयार किए गए इसके अपर वर्जन वीटास्कोप का इस्तेमाल किया था। तो ये थी सिनेमा जगत में मोशन पिक्चर की शुरुआत।
जिसे आधुनिक सिनेमा के लिए मील का पत्थर भी कहा जाता है। और इस शुरुआत का सबसे अधिक श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है लूमियर ब्रदर्स व थॉमस एडिसन। इनके द्वारा किए गए योगदान आगे आने वाली कई सदियों तक सिनेमाई इतिहास के पन्नों में यूं ही याद किए जाते रहेंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं साथियों कि हमारी जन्मभूमि हिंदुस्तान की पावन धरती है। पर एक बात जो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं वो ये है कि देश की ये खूबसूरत धरती हमें यूं ही नहीं मिली है। इसे पाने के लिए न जाने कितने ही शहीदों ने क्रांति की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी की राहों को रोशन किया है। क्रांति और बलिदान के ऐसे ही एक वीर जांबाज की आज जयंती है। इन्होंने अपने साहस और बुद्धिमता के सहारे ब्रिटिश प्रशासन को नाको चने चबवा दिए और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत के युवा अब किसी भी कीमत पर देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपनी हस्ती ही क्यों ना मिटानी पड़े। ये वीर कोई और नहीं बल्कि चटगांव के नायक मास्टर सूर्य सेन थे, जिन्हें प्यार से लोग मास्टर दा के नाम से आज भी जानते हैं। मास्टर दा ने ब्रिटिशर्स को सीधे चुनौती दी और उनकी पकड़ को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया कि आखिरी वक्त में ब्रिटिश सिपाहियों की दर्दनाक यातनाएं भी इनके हौसले को डिगा नहीं सकी। भारत माता के इस सपूत का जन्म आज ही के दिन 1894 को चटगांव में हुआ था। इनके पिता एक अध्यापक थे और इसी वजह से पढ़ाई लिखाई के मामले में सूर्य सेन जी पर शुरू से ही ध्यान दिया गया। सूर्य सेन यानी मास्टर दा जब 12वीं कक्षा में थे तब वो अपने एक अध्यापक की मदद से बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। इस समय मास्टर दा की उम्र मात्र 22 वर्ष थी। इस दौरान आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें बहरामपुर आना पड़ा और फिर यहाँ इनकी मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के सदस्यों से हुई। इस संस्था का असर मास्टर दा पर इस कदर पड़ा कि दिन पर दिन इनके हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना गहरी होती चली गई। इसी का परिणाम था कि 1918 में चटगांव वापस आकर मास्टर दा ने यहाँ पर भी युगांतर पार्टी की स्थापना की। अमूमन ऐसा माना जाता है कि युवा सिर्फ हिंसात्मक संघर्ष ही करना चाहते थे, जबकि ये बात मास्टर दा के मामले में बिल्कुल गलत है। उन्होंने जहां एक ओर युवाओं को संगठित करने का जिम्मा उठाया, वहीं दूसरी तरफ इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे अहिंसक दल की जिला कमेटी का अध्यक्ष भी चुना गया था। अपने देशप्रेमी संगठन के कार्यों के साथ साथ सूर्य सेन जी बतौर शिक्षक नंदन कानन के सरकारी स्कूल में पढ़ाया भी करते थे और यही वो जगह थी जहाँ से इन्हें नाम मिला था मास्टर दा। बहुत जल्द यानी 1923 तक मास्टर दा ने चटगांव के कोने कोने में क्रांति की अलख जगा दी थी। भारत पर अपने प्रशासन को मजबूत बनाने के मकसद से ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों का दमन करने में व्यस्त थी। एक तरफ ब्रिटिश सिपाहियों के पास गोला बारूद व हथियारों की भरमार थी, वहीं दूसरी तरफ देश प्रेमी युवा धन व हथियारों की कमी के बावजूद अपने संघर्ष को जारी रखना चाहते थे। मास्टर दा ने भी सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार के साथ गुरिल्ला युद्ध करने का निश्चय किया और बहुत सी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। इस कड़ी में उन्हें पहली सफलता मिली 23 दिसंबर 1923 को। इस दौरान इन्होंने चटगांव में असम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिस को लूटा ताकि अपने साथियों के प्रशिक्षण के लिए धन एकत्र किया जा सके। मास्टर दा को पूरे देश में पहचान उस वक्त मिली जब इन्होंने जंगे आजादी की प्रमुख घटनाओं में से एक चटगांव आर्मरी रेड को अंजाम दिया। मास्टर दा ने युवाओं को संगठित करके भारतीय प्रजातांत्रिक सेना नामक पार्टी का गठन किया था। इनके इस दल में गणेश घोष, निर्मल सेन, हरि गोपाल बल, अनंत सिंह, प्रतिलता वादेदार व कल्पना दत्ता जैसे कई युवा लड़के व लड़कियां शामिल थे। ब्रिटिश सरकार का राज जहां जहां से चलता है, आर्मरी, कंटोनमेंट, पुलिस लाइंस, टेलीग्राफ ऑफिस, इन सभी जगहों पे एक ही दिन धावा बोलेंगे और फिर शुरू होगा भारत की स्वतंत्रता का सपना यहाँ चोटोग्राम से। योजना के अनुसार 18 अप्रैल 1930 को सैनिक वस्त्रों में इन युवाओं ने दो दल बनाए।
एक दल का नेतृत्व गणेश घोष के हाथों में था, जबकि दूसरे दल की कमान संभाली लोकनाथ बलजी ने। पहले दल ने चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर और दूसरे दल ने चटगांव के सहायक सैनिक शस्त्रागार पर अपना कब्जा कर लिया। पर इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें हथियार के रूप में बंदूकें तो मिली, लेकिन गोलियां नहीं मिल सकी। घटना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के वक्त क्रांतिकारियों ने टेलीफोन व टेलीग्राफ के तार काट दिए थे, साथ ही रेल व सड़क मार्ग भी रोक दिए थे ताकि किसी भी तरह का संचार संभव न हो सके। इस तरह अब तक चटगांव पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो चुका था। अपने अपने काम को अंजाम देने के बाद ये दल पुलिस शास्त्रागार के सामने एकत्र हुआ और वहाँ मास्टर दा को सभी ने सैन्य सलामी देने के बाद ध्वजारोहण किया। एक तरह से यही घटना भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना का भी दिन था। सभी क्रांतिकारियों को उम्मीद थी कि इस घटना का पता चलते ही ब्रिटिश सरकार अपना आपा खो बैठेगी, इसीलिए उन्होंने भी गोरिल्ला युद्ध हेतु अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। शाम होते होते सभी आसपास की पहाड़ियों में जाकर छिप गए। दिन पर दिन हालात कठिन होते जा रहे थे। ब्रिटिश सिपाही पागलों की तरह इन लोगों को ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी युवा भूख प्यास से बेहाल थे। 22 अप्रैल 1930 को हजारों ब्रिटिश सैनिकों ने इन पहाड़ियों को घेर लिया, लेकिन भारतीय युवाओं ने भी हार नहीं मानी और गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। साथ ही ब्रिटिशर्स को बराबर की टक्कर भी दी। मास्टर दा अपने कुछ साथियों के साथ वहां से निकल पाने में सफल रहे। इस दल के बहुत से साथी बचकर कोलकाता चले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ साथी पकड़े भी गए। पुलिस हर कीमत पर इनके सरगना मास्टर दा को पकड़ना चाहती थी, इसीलिए उन पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया। मास्टर दा के दल के जो साथी बच गए थे उन्होंने फिर से एक होकर खुद को संगठित कर लिया और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। मास्टर दा खुद एक जगह से दूसरी जगह जाने पर अपना वेश बदल कर रहते थे ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके, किंतु हर बार की तरह इस बार किस्मत उनके साथ नहीं थी। इस दौरान वो अपने जिस साथी के घर पर रुके हुए थे उसने मुखबिरी करके इनका पता पुलिस को दे दिया। परिणाम स्वरूप धोखे से ही सही, पर 16 फरवरी 1933 को पुलिस मास्टर दा को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। 12 जनवरी 1934 को सूर्य सेन व उनके एक साथी तारकेश्वर जी को एक साथ फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया गया। पर साथियों, अपने आखिरी खत के जरिए मास्टर दा ने अपने मित्र से यही कहा था कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें भारत माँ की आजादी का सपना अभी भी देख रही हैं और आप लोगों के रहते इसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये था हौसला देश के वीर शहीद क्रांतिकारी सूर्य सेन जी का। सन 2010 में हिंदी फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने चटगांव विद्रोह पर आधारित माननीय चैटर्जी की पुस्तक डू और डाई यानी करो या मरो पर एक फिल्म का निर्माण भी किया था। और आज हमारी पूरी टीम के साथ साथ हर भारतवासी शहीद सूर्य सेन को उनकी जयंती पर तहे दिल से सलाम करता है। मोहब्बत चाहे किसी मुल्क से हो या फिर यहाँ की संस्कृति या कला से, उसे सवारने वालों के नाम इतिहास में हमेशा ही स्वर्णाक्षरों में लिखे नजर आते हैं। विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश म्यूजिक कंपोजर एंड्रयू लॉयड वेबर संगीत की दुनिया का एक ऐसा ही नाम है जिन्हें कैट से लेकर एविटा और एविटा से लेकर अलग अलग प्रकार का संगीत दुनिया को दिया, जिसके सम्मान में इन्हें नाइटहुड, 7 टोनी अवार्ड, 3 ग्रैमी अवार्ड, कैनेडी सेंटर ऑनर्स अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इनके संगीत से सजे गीत बड़ी तादाद में लोगों ने पसंद किए। इनके द्वारा शुरू की गई थिएटर प्रोडक्शन कंपनीज लंदन की बड़ी म्यूजिक थिएटर कंपनीज में से एक हैं। संगीत की दुनिया के इस रोशन सितारे का जन्म 22 मार्च 1948 को लंदन में हुआ था। इनके पिता लंदन कॉलेज ऑफ म्यूजिक के निदेशक थे। इस तरह एंड्रयू के खून में संगीत तो पहले से ही घुला हुआ था, बस उसे बाहर आने के लिए मौका मिलने की तलाश बाकी थी। अपने आसपास संगीत के माहौल के कारण 3 साल की उम्र से ही एंड्रयू ने पियानो और वायलिन बजाना शुरू कर दिया था, जबकि 6 साल के होते होते तो इन्होंने फ्रेंच हॉर्न नामक इंस्ट्रूमेंट भी सीख लिया था।
इसके साथ साथ इन्होंने दूसरों की धुनों को बजाने के अलावा अपने खुद के संगीत को भी इस छोटी सी उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। हालांकि एंड्रयू ने अपनी शुरुआत हिस्ट्री कोर्स के साथ की, लेकिन संगीत की दुनिया से इनका प्रेम इतना ज्यादा प्रबल रहा कि इन्होंने वो पढ़ाई छोड़कर 1965 में रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक में दाखिला ले लिया। यहाँ आकर इन्होंने अपने म्यूजिकल थिएटर के रुझान को पूरा करने की ओर भी प्रयास किए। वैसे यही वो साल भी था जब 17 साल के एंड्रयू लॉयड वेबर को 21 साल के लॉ स्टूडेंट टिम राइस ने एक पत्र भेजा। इस पत्र में राइस ने वेबर के संगीत की तारीफ करते हुए अपने बारे में बताया कि उन्हें भी पॉप सॉन्ग व बहुत से दूसरे क्षेत्रों में संगीत के साथ साथ लिरिक्स लिखना पसंद है। तो इस तरह टिम राइस व एंड्रयू लॉयड वेबर की जोड़ी ने संगीत के क्षेत्र में अपने सफर की शुरुआत की और कई बेहतरीन कंपोजिशंस पेश किए। इसके बाद बहुत जल्द इन्हें धार्मिक कॉन्सर्ट के लिए लिखने का मौका मिला और अगले 2 महीनों के भीतर ही इन्होंने 20 मिनट का पॉप कैंटेटा नामक संगीत का निर्माण किया। ये वही म्यूजिक पीस था जिसका प्रयोग जोसेफ एंड द अमेजिंग टेक्निकलर ड्रीमकोट में भी किया गया था। ये नाटक जोसेफ की बाइबल की कहानी पर आधारित था। इस नाटक को पहली बार 1 मार्च 1968 को प्रदर्शित किया गया था। बाइबल की इस थीम को मिली सफलता के बाद टिम और वेबर की जोड़ी ने 1971 में जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार प्रोजेक्ट को तैयार किया। इस नाटक में इन्होंने पॉप के साथ क्लासिकल म्यूजिक को पेश किया था। इस तरह जीसस, राइस व वेबर की इस जोड़ी का ट्रेडिशन बन गया। अपने संगीत में कुछ नए बदलाव को ध्यान में रखते हुए 1974 में वेबर ने ब्रिटिश प्ले राइटर एलन के साथ मिलकर जीव्स को पेश किया, लेकिन 1976 में फिर से राइस के साथ वेबर ने इविटा को बतौर कॉन्सेप्ट एल्बम लॉन्च किया। इस एल्बम के गीत डोंट क्राई फॉर मी अर्जेंटीना को मिली सफलता आज भी एक मिसाल है। दशक में राइस व लॉयड की साझेदारी खत्म तो हुई, लेकिन इनका साथ लॉयड के किसी ब्लॉकबस्टर एरा से कम नहीं रहा। इस दौरान इस जोड़ी ने टीएस इलियट की पोएट्री पर आधारित करीब 18 सालों तक लगातार चलने वाले कैट्स म्यूजिकल को भी तैयार किया था, जिसे आज भी संगीत के इतिहास में पहचान प्राप्त है। लॉयड के इस रिकॉर्ड को उन्हीं के दूसरे प्रोजेक्ट द फैंटम ऑफ द ओपरा ने तोड़ा। 21वीं सदी में एंड्रयू लॉयड वेबर ने ब्यूटीफुल गेम, बॉम्बे ड्रीम, दी वुमेन इन वाइट, लव नेवर डाइज जैसे कई सफल प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं।
सन 2011 में इन्होंने द विजर्ड ऑफ ऑज का म्यूजिकल थिएटर वर्जन भी पेश किया था, जिसे बाद में एक टीवी शो के जरिए पेश किया गया। बॉम्बे ड्रीम्स वही थिएटर म्यूजिक है जिसमें भारतीय म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने एंड्रयू लॉयड वेबर के साथ काम किया था। I've always believed in with my shows that in the main that it's great to try and sort of bring forward the boundaries of the musical. I mean, with Bombay Dreams, it's an interesting one because it is great fun. It's very funny. It has its, you know, obligatory sort of Bollywood tragic big moments. It has high romance. It has all of that. So on that level, I guess it's not sort of pushing things forward that much. But where, of course, it is. For the Western audience is Rahman, because his melody is not Western, yet it's not Indian as, you know, people think. I mean, I'm sure a lot of people who are looking at Bombay Dreams think, well, I don't know that I want to book for that yet. I'd like to know whether this is not going to be all Ravi Shankar or something, because I, like everybody else, thought, well, Indian music is all people sitting on the floor and playing the sitar and everything. And I mean, it sounds terribly rude, but I mean, I think a lot of us do. So what I hope is that people are going to realize just exactly what this young man's doing and how exciting it is, because he's the most fantastic melodist. लॉयड वेबर के परिश्रम का ही नतीजा था कि उन्हें ग्रेट ब्रिटेन के 100 समृद्ध व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जा चुका है। वर्तमान में ये 6 प्रतिष्ठित लंदन थिएटर्स के मालिक हैं। ऑस्कर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, टोनी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब जैसे कई सम्मान अपने नाम करने वाले वेबर 1992 में नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अभी भी एंड्रयू लॉयड वेबर का संगीत अपने क्षेत्र का बेहतरीन कार्य माना जाता है, जिसके लिए हम सभी इनके शुक्रगुजार हैं और आज लॉयड को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, चलिए सवाल है, भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? जल्दी से सही जवाब भेजिए borntoberemembered@gmail.com पर, और साथ ही साथ हमें फॉलो करिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए facebook.com/borntoberemembered पर। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।